आईपीएल 2021 का मैच नंबर 32 हमें पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम के बीच दुबई के मैदान पर देखने को मिलने वाला है। मुकाबला ये ब्लॉकबस्टर होगा और ये कंपैरिजन भी उससे भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है, क्योंकि हम करेंगे 1-1 प्लेइंग 11 का कंपैरिजन। हर एक पहलू को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टीम दुबई के मैदान पर ज्यादा मजबूत है और कौन सी टीम ये मुकाबला जीतती हुई नजर आ सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो है दोनों ही टीमों के फैंस के लिए। वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। देखो भाई साहब, बात यह है कि हेड टू हेड जब मैं उठाकर देखता हूं तो दोनों टीमों ने एक दूसरे से 22 मुकाबले अब तक खेले हैं, जिसमें यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने कुल मिलाकर ज्यादा यानी कि 12 मुकाबले जीते हैं, तो पंजाब किंग्स अब तक 10 मुकाबले यहां पर जीत पाई है। और इसके अलावा एक और ट्रेंड यहां पर मैं देख रहा था कि चेस करते हुए राजस्थान रॉयल्स टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है, यानी कि दूसरी पारी में जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो यहां पर वो डोमिनेट करते हैं, और वहीं पर पहली पारी में जब उनको बल्लेबाजी मिली है तो पंजाब किंग्स के खिलाफ वो ज्यादा मुकाबले हारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा दोनों टीमों के लिए, और ये टॉस फैक्टर बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट होगा इस ट्रेंड को ध्यान में रखकर कि भाई साहब टॉस किसके पक्ष में गिरता है, कौन यहां पर मुकाबले में पहले बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी करेगा। और इसीलिए जब यहां पर बातचीत होती है कैप्टन वर्सेस कैप्टन कंपैरिजन की, तो एक तरफ केएल राहुल हैं, दूसरी तरफ है यहां पर संजू सैमसन, दोनों ही युवा कप्तान हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं यहां पर केएल राहुल को एज अ कैप्टन ज्यादा हाईली रेट करता हूं इन कंपैरिजन टू संजू सैमसन। उसका कारण यह है कि यार केएल राहुल को मैंने देखा ज्यादा काम एंड कंपोज्ड कैप्टन है, एंड टू बी वेरी फेयर बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि अपनी टीम को जिताने की उनके पास मतलब एक स्ट्रैटेजी होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा लेते हैं मैच जिताने की, जो कि साल 2020 में संजू सैमसन से देखने को नहीं मिली। मतलब वो आते थे बड़ी पारी खेले और उसके बाद अपनी विकेट गंवा देते थे, मतलब एक पारी अच्छी आएगी और फिर आप थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो जाते थे, विच इज रियली नॉट अ वेरी गुड थिंग। हालांकि अब वो इंप्रोवाइज कर रहे हैं। ऑल द एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा दोनों खिलाड़ियों को नहीं है, युवा कप्तान है, आंकड़े में भी कुछ खास ज्यादा इतना कहने को है नहीं। आपकी चॉइस यहां पर फॉर श्योर डिफरेंट भी हो सकती है और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली दोनों युवा कप्तान है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, इसके बाद हम बात करें यहां पर दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर कंपैरिजन को लेकर, तो यहां से रियल कंपैरिजन शुरू होगा, जहां पर एक तरफ पंजाब किंग्स टीम में आपको देखने को मिल सकते हैं केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, उनके साथ क्रिस्टोफर हेनरी, विस्फोटक गेल, तो वहीं पर दूसरी तरफ आपको राजस्थान रॉयल्स टीम में देखने को मिल सकते हैं यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और उनके साथ लियाम लिविंगस्टन। 1-1 कंपैरिजन करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो भाई, कंपैरिजन होगा केएल राहुल का यशस्वी जायसवाल से, कोई कंपैरिजन एक्चुअली में है ही नहीं। केएल राहुल 50 प्लस एवरेज इनकी थी भाई साहब 2020 में, 60 प्लस की है 2021 में। ही इज रियली टू अवे टू इवन टचडाउन, भाई साहब बहुत बेहतरीन फॉर्म में चलते हैं, आईपीएल में लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली मेरे पिक यहां से केएल राहुल ही होने वाले हैं। इसके बाद आप कंपैरिजन करोगे मयंक अग्रवाल का संजू सैमसन से, मुझे पता है मैं शायद यहां पर काफी लोगों को शॉक करूंगा, बट मेरी पिक यहां से मयंक अग्रवाल होंगे। कारण यह है कि संजू सैमसन की हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी है कि श्रीलंका के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रही। तो वहीं पर दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यही है कि जो इनकंसिस्टेंसी है वो मुझे संजू सैमसन की काफी ज्यादा हिट करती है। देखो, बहुत बड़े पोटेंशियल के खिलाड़ी हैं, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन यार आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उसे बड़ा बनाना पड़ता है। अब जैसे 2020 में हम लोगों ने देखा था कि शुरुआत में वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर वही बात है कि एक दो अच्छी पारी और उसके बाद फिर से लगातार इनकंसिस्टेंसी, अपना विकेट गंवा देना, अपना विकेट मैं कहूंगा फेंक देना, और ये बहुत गलत है। 2021 में भी हमने यही देखा, हालांकि इंप्रूव हुए हैं, मैं ये कहता हूं कि 2020 की तुलना में 2021 में वो इंप्रूव हुए हैं, होपफुली सेकंड फेज में और अच्छे से इंप्रूव होंगे। बट मयंक अग्रवाल ना बहुत अंडर रेटेड है T20 में, भाई साहब इनके आंकड़े बहुत अच्छे बोलते हैं, स्पेशली फॉर पंजाब किंग्स। केएल राहुल और मयंक की ये जोड़ी लाजवाब है, तो मेरी पिक यार यहां से कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखकर, आंकड़ों को ध्यान में रखकर मयंक अग्रवाल ही होने वाले हैं। इसके बाद आप कंपैरिजन करोगे क्रिस्टोफर हेनरी विस्फोटक गेल का लियाम लिविंगस्टन से। देखो, आंकड़े ओवरऑल तो क्रिस्टोफर हेनरी गेल के ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बट भाई साहब जो प्रेजेंट फॉर्म है ना वो लियाम लिविंगस्टन के साथ है, और जो प्रेजेंट फॉर्म है उसका महत्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जो क्रिस गेल की अब धीरे धीरे एज फैक्टर ऐड हो रहा है ना, वो दिखता है कि अब उनकी परफॉर्मेंस उतनी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आती। इनफैक्ट हाल फिलहाल में सीपीएल में भी कुछ खास ज्यादा अच्छा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं पर लियाम लिविंगस्टन अपने ड्रीम T20 फॉर्म से चल रहे हैं। मेरी पिक भाई साहब यहां पर प्रेजेंट फॉर्म को ध्यान में रखकर लियाम लिविंगस्टन ही होंगे और ये जस्टिफाई होगा। तो यार ऐसे में यहां पर तो मैं लिविंगस्टन को पिक कर रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर मैंने दो खिलाड़ी यहां पर पंजाब किंग्स के पिक कर रखे हैं, तो यहां पर टॉप ऑर्डर में कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स टीम का पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और जो वही बात है ना, जब आप टीम के पैच को बनाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जस्टिफाई भी हो जाएगा। इसके बाद बात करें यहां पर दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन को लेकर, तो भाई साहब एक बार फिर से पंजाब किंग्स में निकोलस पूरन, दीपक हुड्डा, शाहरुख खान एंड हरप्रीत ब्रार आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ आपको राजस्थान रॉयल्स टीम में देखने को मिल सकते हैं डेविड मिलर, रियान पराग, राहुल तेवटिया और उनके साथ अनुज रावत। जी हां, मुझे पता है यहां पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ग्लेन फिलिप्स कहां है। देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर ऑलरेडी हमारी वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। मैंने साफ तौर पर आपको बताया कि या तो आप
यहाँ पर डेविड मिलर को रख पाओगे या फिर ग्लेन फिलिप्स को। ऑनेस्टली बताऊं तो सीपीएल में अब तक जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ग्लेन फिलिप्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है अपनी टीम के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मिलर को बींग अ सीनियर प्लेयर, ज्यादा अनुभव रखने वाले प्लेयर, शायद उनको प्रायोरिटी मिल जाए। ऑल्दो आप ग्लेन फिलिप्स को भी कंसिडर कर सकते हो, उससे कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खैर यहाँ पर हम कंपेरिजन पर ही स्टिक करते हैं। पूरन बनाम मिलर देखो बहुत ही टफ कंपेरिजन है, टफ इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में तो पूरन की फॉर्म बहुत खराब थी 2021 आईपीएल में, हमें पता है, वहीं पर मिलर की 2021 में ही डिड रियली वेल फॉर राजस्थान रॉयल्स, तो यहां पर उन्होंने काफी अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में सीपीएल में ना फिर से पूरन फॉर्म में आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अच्छी विस्फोटक पारियां खेली हैं। ओवरऑल आंकड़े में भी पूरन ज्यादा डोमिनेट करते हैं, साल 2020 के आईपीएल में बहुत बेहतरीन यूएई में उनकी फॉर्म रही थी, तो यहां पर पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं, मुझे तो टाई नजर आ रहा है। आप बताओ कि आप पूरन बनाम मिलर में किसको यहां पर पिक करोगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर फटाफट से बता देना। इसके बाद कंपैरिजन करें यहां पर दीपक हुड्डा का रियान पराग से। देखो रियान पराग भी ना एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने शुरुआत में मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगे थे, मुझे लग रहा था काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, इनके आंकड़े भी कुछ खास ज्यादा अच्छे मुझे देखने को मिले नहीं है। 2021 में भी दीपक हुड्डा का भी वही हालचाल है, कोई खास ज्यादा अच्छा उन्होंने भी बहुत अच्छी पारियां लगातार नहीं खेली, मतलब एक बार खेला और उसके बाद फिर वो भी इनकंसिस्टेंट रहे, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं यहां से दीपक हुड्डा को ही पिक करूंगा एज फार एज द रिकॉर्ड्स आर कंसर्न। इसके बाद बात करें यहां पर शाहरुख खान का राहुल त्रिवटिया से। देखो भाई साहब शाहरुख खान ने साल 2021 में मेरे ख्याल से कुछ 20-21 के आसपास की उनकी एवरेज है, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी लगे हैं, लग रहा है कि अच्छा कर जाएंगे, लेकिन साल 2020 में ना त्रिवटिया साहब के आंकड़े बहुत जबरदस्त हैं और वो यूएई कंडीशंस थी, साल 2021 में भी इतने खराब नहीं, मेरे ख्याल से शायद 17 की एवरेज इनकी है, तो मतलब लगभग दोनों सेम पेज पर है, लेकिन यूएई का जो अनुभव है वो त्रिवटिया साहब के पास है और वो शाहरुख खान साहब के पास नहीं है। इसलिए दोस्तों यहां पर आंकड़ों को ध्यान में रखकर मैं यहां से राहुल त्रिवटिया को ही पिक करूंगा। हरप्रीत ब्राड़ बनाम अनुज रावत, अब देखो वैसे तो बात होगी तो ब्राड़ साहब तो मतलब एक ऑलराउंडर है और अनुज रावत एक प्योर बैट्समैन, आप उन्हें कंसीडर कर सकते हो ज्यादा अच्छे स्किल सेट के साथ, लेकिन बात वही है कि अनुज रावत को उतना राजस्थान ने मौका नहीं दिया, अब मौका देंगे तो वो कैसा अच्छा करेंगे, मतलब हम फ्यूचर को देखकर यहां पर प्रेजेंट डिसाइड नहीं करेंगे, तो फॉर श्योर दोस्तों अभी के लिए हरप्रीत ब्राड़ ने ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया पंजाब किंग्स के लिए और एक मतलब मैं कहूंगा एक्स फैक्टर प्लेयर है। तो ऐसे में यार अभी के लिए मैंने यहां पर दो खिलाड़ी पिक कर रखे हैं पंजाब किंग्स टीम के, तो यहां पर पंजाब किंग्स टीम का मिडिल ऑर्डर हमें ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। ऑल दो अगर यहां पर राजस्थान रॉयल्स टीम के फैंस चाहें तो वो टाई करा सकते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में यहां पर मिलर को ज्यादा वोट देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पर कि मिलर बनाम पूरन में आप किसको पिक करोगे। इसके बाद बात करें यहां पर दोनों टीमों के स्पिन डिपार्टमेंट कंपैरिजन को लेकर, तो यार यहां पर बहुत कुछ डिपेंड इस बात पर करेगा कि क्या पंजाब किंग्स टीम रवि बिश्नोई को खिलाएगी या फिर नहीं खिलाएगी। देखो यार आपको बताऊं कि दुबई की पिच है, दुबई के पिच के जो आंकड़े कहते हैं किसी भी टीम के, सभी टीमें वहां पर चार प्योर पेसर्स खिलाती है क्योंकि पेसर्स को मदद करती है ये पिच, और वैसे भी अभी शुरुआत फेज है तो और भी ज्यादा उम्मीदें हैं कि पेसर्स को ही मदद करेगी, तो यहां पर अगर पंजाब किंग्स भी चार पेसर्स के साथ उतर जाए तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा और इसीलिए अभी मैं बिश्नोई को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। ऑल्दो अगर वो खेलेंगे तो फिर चीजें बदलेंगी। इस टीम के स्पिन डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल रहे हैं हरप्रीत ब्राड़ और उनके साथ थोड़े बहुत पार्ट टाइम दीपक हुड्डा, तो वहीं पर दूसरी तरफ आपको यहां पर राजस्थान रॉयल्स टीम में देखने को मिलेंगे राहुल त्रिवटिया और उनके साथ रियान पराग। अब देखो आपको पता है कि यार राजस्थान ने लगातार राहुल त्रिवटिया और रियान पराग को ही एज एन स्पिनर यूज किया है, तो उनके आंकड़े ज्यादा डोमिनेट करेंगे ही करेंगे। हरप्रीत ब्राड़ और यहां पर कंपैरिजन करोगे त्रिवटिया को तो भाई साहब ब्राड़ ने बहुत अच्छा किया, यहां से मैं ब्राड़ को पिक कर जाऊंगा, लेकिन हुड्डा और पराग साहब में यहां पर मेरी पिक पराग होंगे और ओवरऑल मैं यहां पर राजस्थान रॉयल्स टीम को ही पिक करूंगा अगर बिश्नोई नहीं खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों एज ऑफ नाउ यहां पर मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स टीम का स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है पंजाब किंग्स टीम की तुलना में, जब ओवरऑल यहां पर बातचीत होगी ना कि किसी एक खिलाड़ी के कंपैरिजन की। और फिर हम यहां पर बात करें दोस्तों दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों के कंपैरिजन को लेकर, तो जहां पर एक तरफ हमें पंजाब किंग्स टीम में देखने को मिल सकते हैं नेथन इलिस, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद शमी और उनके साथ अर्शदीप सिंह, तो वहीं पर दूसरी तरफ आपको राजस्थान रॉयल्स टीम में देखने को मिलेंगे क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन साकरिया और उनके साथ कार्तिक त्यागी या फिर जयदेव उनादकट। अब वन बाय वन कंपैरिजन करेंगे, हम समझ जाएंगे कि कौन यहां पर डोमिनेट करेगा। तो सबसे पहले कंपैरिजन करें यहां पर नेथन इलिस का क्रिस मॉरिस से, तो भाई साहब ये बात बिल्कुल सही है कि नेथन इलिस बहुत बड़े नाम के साथ आ रहे हैं, लेकिन आईपीएल के रिकॉर्ड हमारे पास उनके बिल्कुल नहीं है तो हम कुछ खास ज्यादा कह नहीं सकते। वहीं पर क्रिस मॉरिस पिछले दो साल से लगातार बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर, उनकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही है और इनफैक्ट जब जिस मुकाबले में उन्होंने परफॉर्म किया है उस मुकाबले को राजस्थान ने साल 2021 में फर्स्ट फेज में जीता है, तो यहां पर फॉर श्योर अभी के लिए मैं यहां से क्रिस मॉरिस को ही पिक करूंगा। नेथन इलिस की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ खास ज्यादा कह पाएंगे। इसके बाद कंपैरिजन करें क्रिस जॉर्डन का मुस्तफिजुर रहमान से। अब देखो यहां पर पिच की बात आती है, ये दुबई की कंडीशंस है यानी कि यूएई की कंडीशंस है और यहां पर क्रिस जॉर्डन के आंकड़े बहुत ही बेहतर है। मुस्तफिजुर रहमान ने राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए काफी अच्छा किया है, मैं ये मानता हूं साल 2021 के फर्स्ट फेज में यहां से मेरी पिक क्रिस जॉर्डन होंगे क्योंकि यूएई में साल 2020 के आईपीएल में जब लास्ट में आईपीएल आया था तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जॉर्डन ने की थी गेंद के साथ।
इसके बाद कंपैरिजन करें यहाँ पर अर्शदीप का चेतन साकारिया से, तो वैसे तो लगता है कि दोनों युवा खिलाड़ी हैं, आसान कंपैरिजन है, पर यार इतना आसान है नहीं क्योंकि दोनों युवा लेफ्ट आर्म पेसर और अच्छा कर रहे हैं। तो यार पहली बात तो उतना ज्यादा कंपैरिजन करना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि अभी अच्छा कर रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा अभी मतलब क्रिकेट बाकी है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कहोगे तो यार मैं बस इतना कह पाऊंगा यहाँ पर कि आप इस चीज से कंसिडर कर सकते हो कि चेतन साकारिया के पास ज्यादा स्किल सेट मुझे नजर आते हैं और इसीलिए श्रीलंका दौरे पर उनको सेलेक्ट किया गया था और उनको प्लेइंग 11 में मौका भी दिया गया था। लेफ्ट आर्म पेसर मुझे लगता है उनके पास ज्यादा स्किल सेट एंड वैरायटीज हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट ये कि आप याद करो पंजाब किंग्स और राजस्थान का जब मैच हुआ था 2021 में फर्स्ट फेज में, तो वहां पर भाई साहब अर्शदीप सिंह ने लास्ट ओवर में संजू सैमसन को शतक मारकर खेल रहे थे डिफेंड कर लिया था। तो मतलब आप वो भी कह सकते हो कि यार दोनों खिलाड़ी बहुत ही लाजवाब है। मेरी पिक यहां से चेतन साकारिया और ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसके बाद कंपैरिजन करें यहां पर मोहम्मद शमी का, जयदेव उनादकट खेलेंगे या फिर यहां पर खेलेंगे त्यागी हमें नहीं पता, कोई भी खेले यार फॉर श्योर यहां से मेरी पिक मोहम्मद शमी ही होंगे। ऑल्दो यार मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में बीइंग अ टी20 बॉलर मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिला है, उनका कर्व थोड़ा सा नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी यार जो एक्सपीरियंस वो अपने साथ लाते हैं और हमें पता है कि जब वो फॉर्म में होते हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में होते हैं, और इसीलिए दोस्तों यहां से अभी के लिए मैं मोहम्मद शमी को ही पिक करूंगा। तो ऐसे में यार यहां पर तेज गेंदबाजी में अभी के लिए दोनों टीमों में टाई होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि तेज गेंदबाजी में कौन सी टीम डोमिनेट कर रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अगर ओवरऑल यहां पर कंपैरिजन की बात है तो आप देख सकते हो कि फॉर श्योर यहां से पंजाब किंग्स टीम का बढ़ला एटलीस्ट आंकड़ों पर एटलीस्ट ऑन द पेपर ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। और रही बात मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार यहां से किसी एक टीम को विनर पिक कर लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये दोनों ही टीमें मुझे लगभग सेम पेज पे नजर आती हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं अभी अपने आप को क्वालिफिकेशन में रखने के लिए। तो बहुत मेहनत करेंगी दोनों टीमों की, भाई साहब पहला मुकाबला है, जबरदस्त वापसी करके यहां पर जो है सेकंड फेज में अपने आप को डोमिनेट करना है। बट वही बात है कि ऑन फील्ड उस पर्टिकुलर डे पे जो टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी वही टीम यहां पर विनर होती हुई नजर आएगी। अब दुबई की कंडीशन है तो वो भी यहां पर दोनों टीमों को फेवर ही करेंगी। आप लोगों को फिलहाल क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से जरूर बता सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतने, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए @DrCrickPoint हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम एंड ट्विटर है, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।